हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर स्टाइल एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ पिंकी और आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू टुक, जो कि एक सिंधी रेसिपी है। उसमें हम लोग ये स्मॉल पटैटोस लेंगे, या जिसको बेबी पटैटोस भी बोलते हैं। ये दम आलू में भी यूज़ होते हैं और इसमें भी यूज़ होते हैं। हम लोग इसको अच्छे से 6 to 8 times वाटर में वॉश करेंगे, क्योंकि अगर इसमें मिट्टी रह गई ना तो आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पटैटोस में, और अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो वो इसका पटैटो का छिलका निकाल के यूज़ करे, उसका छिलका अवॉइड करे, बिकॉज उसमें ये अच्छा नहीं होता है। ओके, सो पटैटोज़ को अच्छे से वॉश करने के बाद हम लोग इसको हाफ में कट करेंगे। अगर आपके पटैटोज बड़े साइज़ के हैं तो आप इसको 2 to 4 parts में आप कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्मॉल पटैटो है इसलिए 2 parts में कट कर रही हूँ, लेकिन आपके अगर पटैटोस बड़े साइज़ के हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप 3 to 4 parts में कट कर सकते हो। तो हम सब पटैटोस को ऐसे 2 parts में डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा स्मॉल पीसेस नहीं करने हैं क्योंकि हमको डीप फ्राई करना है इनको। कट करने के बाद मैंने इसको 1 time और अच्छे से वॉश कर लिया, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है कढ़ाई में ऑयल, और हम इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। एकदम तेज़ हॉट में फ्राई नहीं करना है आपको, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपको फ्राई करना है। मैं इसमें सब पटैटोस ऐड कर दूंगी और हम इसे मीडियम पे ही फ्राई करेंगे। हमारे आलू अच्छे से फ्राई होने लगे, उसको पलट देंगे हम लोग अच्छे से, इसको ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। ओके गाइस, हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप स्पून ऐड करके देख सकते हो, यहाँ पे मेरा आलू 80% तक अच्छे से कुक हो चुका है। इस स्टेज पे हम लोग पटैटोस को बाहर निकाल देंगे और थोड़ा सा उसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ आती है ट्रिक वाली बात, आलू हमारे गल तो चुके हैं लेकिन वो क्रिस्पी नहीं है। हमें उसे प्रेस करना है, उसको फ्लैट चपटा करना है। आप चाहो तो ये प्रोसीजर स्पून से भी कर सकते हो, अगर आपको गर्म लग रहा है हाथ पे तो उसको फ्लैट करके आपको डीप फ्राई करना है दूसरी बार। आपको सब पटैटोस को सेम वे में करना है, उसको फ्लैट करना है दबा के एंड उसको डीप फ्राई करना है। तो हमारे पटैटो बिल्कुल रेडी है डीप फ्राई होने के लिए, और हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये मस्त क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। एकदम हॉट ऑयल में आपको फ्राई करने हैं इसको। यहाँ पे मेरे पटैटोस एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे और बाकी रिमेनिंग जो हमारे पटैटो है उसको हम लोग फ्राई कर देंगे, और उसको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पटैटो क्रिस्पी फ्राई होने के बाद हम लोग पैन लेंगे, उसी पैन में हम लोग ऑयल निकाल देंगे और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी पटैटो में बहुत ऑयल है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको टॉस कर देंगे अच्छे से। और कोई भी मसाला इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से टॉस करने के बाद और ये बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। बिल्कुल रेडी है हमारे आलू टुक, सिंधी आलू टुक। इसे आप पराठा, पूरी, खिचड़ी, चपाती किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो, इवन एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हो। प्लीज़ 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 ट्राई ज़रूर कर।